हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आज, एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म। ओके, तो जो दिसंबर 2019 का टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म था इग्नू की तरफ से, वो अनाउंस कर दिया गया है और अभी आपका ये फॉर्म फिल करने के लिए अवेलेबल है इग्नू की वेबसाइट पर। तो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्या आपकी फ़ीस रहेगी एग्ज़ाम की और पर सब्जेक्ट वाइज एंड पर प्रैक्टिकल वाइज, एंड इसके अलावा कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं एग्ज़ाम फॉर्म में इग्नू की तरफ से, तो उन चेंजेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो एक बार प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल कीजिएगा। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, जिससे कि सारे जो पॉइंट्स हैं नए वो आपको समझ में आ जाए और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को ठीक से फिल करें, अदरवाइज़ आपका बाद में प्रॉब्लम होता है, सो विच वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर यू। सो वो सारे स्टूडेंट्स जो दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं इग्नू की वेबसाइट पर हूँ, विच इज़ ignu.ac.in। ओके, तो अब किस तरीके से आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, तो आपके स्क्रीन पर अभी देखिए राइट साइड में कॉर्नर पर थ्री लाइन्स हैं, इन पर आपको क्लिक करना है और ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको जाना है, नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है रजिस्टर ऑनलाइन का, ठीक है। आप देख सकते हैं हाइलाइटेड है रजिस्टर ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके पास नंबर फोर्थ जो ऑप्शन है टर्म एंड एग्ज़ाम, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, हाईलाइट मैंने किया हुआ है, एक बार देख लीजिए टर्म एंड एग्ज़ाम, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप टर्म एंड एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे, ये आपका जो फॉर्म होगा दिसंबर 2019 एग्ज़ाम का, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी लास्ट डेट टू सबमिट दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी लेट फीस नहीं पे करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है 5th ऑफ अक्टूबर 2019 तक फिल कर देना है, ठीक है। अगर आप 5th ऑफ अक्टूबर 2019 तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देंगे, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। आपकी जो एग्ज़ाम फीस बनती है वही आपको सब्जेक्ट वाइज पे करनी है, रेस्ट देयर विल बी नो नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट। अब बात करेंगे, अगर आप 6th अक्टूबर 2019 से 20th ऑफ अक्टूबर 2019 के बीच में अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो आपकी लेट फीस पे करनी पड़ेगी आपको 500 रुपीज़ की। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप 21st अक्टूबर से 31st अक्टूबर के बीच में फिल करते हैं, तो 1000 रुपीज़ आपको एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस के अलावा आपको एक्स्ट्रा लेट फीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज़ की। अगर मान लीजिए आपने पूरे अक्टूबर में भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और उसके बाद आप नवंबर में करना चाहे उसको फिल, तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। इग्नू की तरफ से सबसे पहला चेंज यहीं पर आया है। तो पहले क्या होता था, लेट फीस के साथ में आप स्टिल फॉर्म को फिल कर सकते थे, लेकिन अभी जो था इग्नू ने थोड़ा चेंजेस ला दिया है। तो फर्स्ट चेंज आपका यही है कि इस केस में अगर मान लीजिए आप पूरे अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी फिल करनी पड़ेगी, साथ ही साथ लेट फीस और आपकी एग्ज़ाम फ़ीस का क्या करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, और अपना जो रीजनल सेंटर है उस पर आपको जाकर वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, एंड उनसे चेक करना पड़ेगा। वो चेक करेंगे कि आपके लिए सीट्स अवेलेबल है, सेंटर्स अवेलेबल हैं, एंड आफ्टर चेकिंग इफ़ दे फाउंड येस कि सीट्स अवेलेबल हैं और आपको एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन दी जा सकती है, देन ओनली दे विल एक्सेप्ट योर फॉर्म। सो ध्यान रखिएगा, जितना हो सके अपना अक्टूबर तक ही भर दीजिएगा एग्ज़ाम फॉर्म, जिससे कि बाद में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ओके, तो फर्स्ट चेंज आपका यही था कि अगर आपने 31st अक्टूबर तक नहीं भरा अपना ऑनलाइन फॉर्म एग्ज़ाम का, तो उसके बाद आपको हार्ड कॉपी के थ्रू ही
आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा विच वुड बी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर यू. इसको आपको DD बनवाना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा, फॉर्म आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होगी, ये ध्यान रखिएगा इस टाइम. सो गाइज, यहाँ पर तो ये हमारी होगी पहली बात. अब नाउ हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की. तो आप देख लीजिए, एक मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है पोर्शन, नोट लिखा हुआ है कि दी एग्ज़ाम्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स FST एंड BSHF 101 विल बी हेल्ड ट्वाइस, वंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BA एंड BCOM एंड नेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स. अकॉर्डिंगली द डेट शीट हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड द डेट्स फॉर द कोर्सेज आर एज अंडर. तो पहले ये होता था कि आपकी दो जो फाउंडेशन कोर्स हैं FST एंड BSHF 101 के, वो आपके क्या होते थे, सारे स्टूडेंट्स जितने भी होते थे, बिकॉज ये कोर्स आपके जो हैं मोस्टली सभी स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन के उतने को मिलता है, तो उनका एक साथ एग्ज़ाम होता था. नाउ इग्नू ने इसमें भी चेंजेस ला दिए हैं, तो अब आपके दो एग्ज़ाम्स होंगे इस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, फाउंडेशन कोर्स के FST एंड BSHF 101 के. और ये जो BA एंड BCOM के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आपका अलग से शेड्यूल किया जाएगा, और BSc एंड अदर प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो एग्ज़ाम है वो अलग से शेड्यूल किया जाएगा. तो डेट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, आप देख सकते हैं FST की BA एंड BCOM के स्टूडेंट्स के लिए आपकी डेट रिलीज़ की गई है 30th of December 2019, और BSc एंड अदर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज द 7th of December. नाउ बात करेंगे BSHF 101 की, तो BA एंड BCOM स्टूडेंट्स के लिए आपकी रखी गई है 9th of December की, एंड BSc एंड अदर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो ये डेट रखी गई है वो है 18th of December 2019. ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चेंज था. और बात करेंगे, देखिए एक चीज़ और गाइज, अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कोई भी कोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके कोर्स का नाम नहीं आ रहा है, या फिर किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है, तो आप लिख सकते हैं अपनी कंप्लेंट टू रजिस्ट्रार srd@ignu.ac.in, या फिर आप फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0112957301. आई रिक्वेस्ट कि आप चाहे हो सके कोई भी दिक्कत हो तो ईमेल ही करें, बिकॉज फ़ोन मोस्टली आपका पिक नहीं किया जाता है इग्नू की तरफ से. सो ये ध्यान रखिएगा. बाकी कोई भी आपकी दिक्कत हो या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, एंड लिंक आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं. अब नाउ बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी. तो गाइस, एग्जामिनेशन फ़ी जो होगी वो है आपकी 150 रुपीज़ पर थ्योरी सब्जेक्ट, एंड अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है कोई तो उसके लिए भी आपको 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करनी होगी, ध्यान रखिएगा. और ये ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, तो आप कोई भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट इज़ द फीस फॉर थ्योरी एग्ज़ाम, एंड 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट इज़ द फी फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एज वेल. नाउ बात करेंगे अब हम तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की, ठीक है, जो कि है आपकी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड. तो आप देख सकते हैं ये भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर. तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस ओनली इन द लैंग्वेजेस इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, आंसर स्क्रिप्ट्स रिटन इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम्स आर नॉट ऑफर्ड विल नॉट बी इवेलुएटेड एंड द सेम विल बी कैंसल्ड विदाउट एनी इंटीमेशन टू द स्टूडेंट्स. इन such cases the students will be required to reappear in the examination. तो गाइज, इग्नू जो है अपने कोर्सेज को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑफर करता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिलेक्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को इंग्लिश में, और बाद में जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी में देके आ जाते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि हिंदी में अप्लाई करते हैं और बाद में अपना जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जब आपको आंसर शीट मिलती है तो उसमें आपको मीडियम लिखना पड़ता है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, तो वो इंग्लिश लिख के इंग्लिश में कर देते हैं पेपर. तो अब से इग्नू ने ये बंद कर दिया है, अगर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है इंग्लिश में तो आपको अपना जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा. अगर आप हिंदी या कोई और अदर लैंग्वेज में लिख देते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा,
और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मीडियम सिलेक्ट कराया है आपने एग्ज़ाम का, उसी में अपना आंसर लिखिए। आंसर शीट जो है उसमें वही आपका मीडियम लिखिए और अपने आंसर्स को उसके अकॉर्डिंग ही लिखिए, नहीं तो आपकी जो इवेल्युएशन है आंसर शीट की वो नहीं की जाएगी इग्नू की तरफ से। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंट अपडेट। नाउ बात करेंगे अब फर्दर। सो चलिए आते हैं आगे, देखते हैं फॉर्म में और कुछ भी यू नो चेंजेस हैं। तो यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन वाला चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, आफ्टर रीडिंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, आपको फिर क्लिक करना है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पर देखिए फॉर्म की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपसे तीन चीज़ें पूछेगा, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर एंड मोड ऑफ़ पेमेंट। मोड ऑफ़ पेमेंट में आपको कुछ नहीं करना, आपका एक ही ऑप्शन है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ओके, एग्जामिनेशन फीस आपकी पर कोर्स है 150। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको अपने असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं। दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपने ये जो असाइनमेंट्स हैं, एप्लीकेबल असाइनमेंट्स, उनको फिल करना है। ठीक है, अगर आपने नहीं फिल किया तो फिर आपका आगे दिक्कत होगी, आपके नंबर्स वगैरह अपडेट नहीं होंगे या फिर आपकी जो इवैल्यूएशन है वो नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दे रखी है इग्नू की तरफ से कि रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट विल बी अवेलेबल वेरी सून एंड पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट और नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर अभी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि ऐड नहीं किए गए हैं इग्नू की तरफ से और वो जल्दी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो गाइज़ अभी मैं आपको इसमें ये नहीं बताऊँगा कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनका यू नो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बीडीपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम फॉर्म को, तो जब वो फिल करेंगे तो उनको एक एरर आएगा। अब वो एरर क्या आ रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको, एक बार देख लीजिएगा। सो ये एरर आ रहा है आपका, नो वैलिड कोर्स फाउंड इन केस यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन कोर्सेज इन दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन बट द कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन प्लीज़ राइट टू रजिस्ट्रार। तो अभी आपके जो कोर्सेज हैं इग्नू की तरफ से, सिंस जो सेकेंड अपडेट थी मैंने आपको बताया कि FST और BSHF 101 के जो कोर्सेज है वो अलग अलग कर दिए गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे, तो उस पर अभी वर्क होगा। एंड इग्नू की तरफ से अभी लगता है थोड़े दिन लग जाएंगे इस पर्टिकुलर चेंज को इंक्लूड करने में। तो अभी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स थोड़ा वेट कर लें एंड जैसे ही अपडेट आएगी आई लेट यू नो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, सो अब बात करेंगे हम एग्जामिनेशन फॉर्म की, क्या ये सभी के साथ हो रहा है? नहीं गाइस, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक MCOM का। तो मैं यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर पुट कर रहा हूँ, सो जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर पुट करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा वेट कर लें और मैं एक आपको फर्दर वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बात करेंगे चौथे इंपॉर्टेंट चेंज की। चौथे इंपॉर्टेंट चेंज में आपका जो चेंज आया है वो है आपके एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड। तो पहले होता था कि एक ही आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चूज़ करते टाइम पर, बट नाउ अब तीन आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी पड़ेंगी एग्ज़ाम सेंटर की और फिर उसके बाद में कोई एक एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपको तीन सेंटर कोड्स मेंशन करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेंटर की लिस्ट मिलती है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हाईलाइटेड है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका ये देखिए PDF अवेलेबल हो जाएगी, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आपका जो रीजनल सेंटर का नंबर है आप इसको
सेलेक्ट कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा और इसको गूगल पे डाल दीजिएगा कोड के साथ में, सेंटर कोड एंड एड्रेस, तो आपको पूरी लोकेशन भी मिल जाएगी कहाँ पर ये सेंटर अवेलेबल है। ओके तो तीन सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं, जो कि आपका ये चौथा अपडेट था। पहले आपने जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा था उनको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता था एंड मोस्टली वही आपका मिल जाता था। वो तीन एग्ज़ाम सेंटर्स चूज़ करने होंगे एंड उन तीन में से कोई भी एक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी अपडेट्स हो चुकी हैं एंड जैसा मैंने बोला आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ही ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, आई गेट बैक टू यू विद अ न्यू वीडियो। ओके, सो इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा, आई गेट बैक टू यू। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी आप एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी अदर वीडियोस देख सकते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होंगी आपको। थैंक यू सो मच।